बात फिट इंडिया 2.0 की, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत कर रहे हैं। बीएसएफ, सीआईएसडी और सीआईएसएफ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर के 7.5 करोड़ युवा भी फ्रीडम रन का हिस्सा हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि देश के 7.5 करोड़ युवा हिस्सा ले रहे हैं फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत। ये प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोने में फिट इंडिया फ्रीडम रन में लोगों को जुड़ने के लिए कहा है, और आप तो एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर हैं जो अंडमान निकोबार आए वो यहाँ पर आए बिना पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में जाए बिना उनका अधूरा सफर रहता है। लाइट एंड साउंड शो एक होता था, अभी भी होता है। जी सर बिल्कुल, इसका संचालन मेरे साथ करे डायरेक्टर साहब भी देखते हैं। और यहाँ पर सर डिपो में एंट्री के दो ही पॉइंट है, एक सी पोर्ट और दूसरा एयरपोर्ट, जिस पर दोनों पर ही सीआईएसएफ तैनात है और सुरक्षा जिम्मा मुस्तैदी से निभा रही है। सर हमारे यहाँ पर सीआईएसएफ के 100 सदस्य आज फ्रीडम रन में सम्मिलित हुए हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि हम सभी को फिटनेस के लिए प्रोत्साहित करते रहें, और हम इसके साथ साथ फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ आयोजित करते हैं। हम योग शिविर आयोजित करते हैं, कॉलेज के साथ मिलकर हम उनको स्पेशली गर्ल्स को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ के बच्चों को हम फिटनेस के बारे में बताते हैं। हमारा यही मंत्र है, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। थैंक यू सर। नहीं, बहुत अच्छा, क्योंकि वीर सावरकर जी से लेकर बाकी स्वतंत्रता सेनानियों की जब भी हम गाथाएं पढ़ते थे सेलुलर जेल का उल्लेख जरूर होता था, लेकिन आज वहीं पर आप जागरूकता फैलाने का काम भी कर रहे हैं। जिन्होंने आजादी दिलाई, अब आजादी के बाद आप कैसे देश को और फिट रखने के लिए काम कर रहे हैं, उस स्थान से आप जुड़े हैं, मैं आप सबका पोर्ट ब्लेयर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र चटोलिया जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार, और आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जितने भी बलों के सब साथी क्रम से जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अब हम नेहरू युवा केंद्र संगठन की बात करेंगे, जिसमें ले लद्दाख हम चलेंगे, जहां पर वहां के स्टेट डायरेक्टर सुंदर सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सर, नेहरू युवा केंद्र संगठन की जब हम बात करते हैं तो पूरे विश्व में सब जानते हैं कि युवाओं को जोड़ने की दृष्टि से और देश सेवा की दृष्टि से जिस तरह का कार्यक्रम काम ये संगठन कर रहा है वो अपने आप में अतुलनीय है। जी सर, आपसे निवेदन, कृपया संवाद स्थापित करें। नमस्कार, सुरेंद्र जी आप हमें सुन पा रहे हैं लेह लद्दाख में? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो सुरेंद्र जी, अब आप बोलिए, शायद अब आपने ऑन किया है। यू हैव टू अनम्यूट योर सिस्टम, आपका माइक ऑन है लेकिन सिस्टम म्यूट पे है। जो भी आपका सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं उनको कहिए। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका सुनाई दे रहा है सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी हम लोग आपको नहीं सुन पा रहे। अरे आप देखते हैं